तो दोस्तों एक बार फिर कबीर खान की फिल्म बब्बर शेर में नजर आएंगे सलमान खान। बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर के बाद फिर साथ काम करेंगे सलमान खान और कबीर खान। अब यार देखो, ये दोनों इंडस्ट्री के बड़े नाम है। सलमान खान की चाहे फिल्म फ्लॉप हो जाए लेकिन ऑडियंस के दिल पर अच्छा छाप छोड़कर जाती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि सलमान खान और कबीर खान एक बार फिर साथ में काम करने वाले हैं। देखा जाए तो ऑडियंस काफी टाइम से दोनों की साथ में फिल्मों को लेकर मांग कर रही है। रीजन है बजरंगी भाईजान और एक था टाइगर। इन दोनों ने ऑडियंस का दिल बखूबी जीता था और ये दोनों कबीर खान के डायरेक्शन की फिल्में थी। अब ऐसे ही एक बार दोनों की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर खान ने सलमान खान को एक स्क्रिप्ट दी है जो उनके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। कबीर खान को लगता है कि सलमान के अलावा ये स्क्रिप्ट किसी और के लिए हो ही नहीं सकती। अब स्क्रिप्ट में क्या स्टोरी है ये तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कबीर खान के पास इस स्क्रिप्ट पर काम करने वाले ऐसे बहुत से स्टार हैं जो इस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कबीर खान की पहली पसंद है इस स्क्रिप्ट के लिए सलमान खान। कबीर खान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि इस फीचर फिल्म में सलमान खान ही काम करेंगे। कबीर खान बब्बर शेर के लिए सलमान खान से काफी बार मिल चुके हैं और इस महीने और मुलाकात होने की उम्मीद है। कबीर खान ने नवंबर और दिसंबर में सलमान के साथ मीटिंग की है और ये कहा है कि जनवरी की लास्ट तक स्क्रिप्ट पूरी करके सलमान खान के साथ फिर दोबारा से मुलाकात करेंगे। वहीं सलमान खान भी बब्बर शेर के लिए एक्साइटेड हैं, ऐसा रिपोर्ट में सुनने में आ रहा है। अगर सलमान खान बब्बर शेर में काम करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर से एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान वाला इतिहास दोहराया जाएगा। एंड आपको तो पता ही है कि सलमान खान और कबीर खान का जो कॉम्बो होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसी ही खतरनाक फिल्म होने वाली है बब्बर शेर कबीर खान के डायरेक्शन में। वेल आप बताइए कि बब्बर शेर के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि फिल्मों से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको फिल्मी फीलिंग पर।